तो बेटा हिस्ट्री का आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत विश्व का जन्म होना या बनना। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। क्या? ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले समझो इस शब्द का मतलब, समझो ग्लोबल का मतलब क्या है। क्या? ग्लोबल का मतलब क्या है? भूमंडलीकरण का मतलब क्या है? मतलब जब इस पूरी दुनिया का एक दूसरे से कनेक्शन हो जाए। कनेक्शन से मेरा मतलब जब इस पूरी दुनिया के हर देश दूसरे देश से जुड़ जाए। अब जुड़ेंगे क्यों? बिना लालच के तो कोई नहीं जुड़ता। लालच हो किसी चीज़ का, व्यापार का, पैसे का, सामान का, उस तरह के लालच से जब आपस में हम जुड़ जाते हैं तो उसी को बेटा हम भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक। अब आज के युग में तो बहुत आसान है, तुम यहाँ बैठ के अमेरिका से हमारा व्यापार चल रहा है, किस किस देश से हमारा व्यापार चल रहा है, आराम से उनकी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, हमारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले तो ऐसा नहीं था। जब बेटा कम्युनिकेशन तो थी नहीं इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग, फ़ोन, टेलीफोन, इंटरनेट नहीं था, आने जाने के साधन के लिए इतने अच्छे रोड्स नहीं थे, कार्स नहीं होती थी, प्लेन्स भी नहीं थे, पानी के जहाज़ों से आना जाना होता था या बहुत लंबे रास्तों से चल के आना जाना किया जाता था। तो उस टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन जो थी वो किस तरीके से की जाती थी उस बारे में हम पढ़ने, मतलब हम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई। ठीक। अब बहुत ज़्यादा शुरुआत तो इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर में दे नहीं रखी क्योंकि किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम गए, मतलब इन्होंने जो हिस्ट्री चालू की है, जो हिस्ट्री यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की चालू की है, वो बेटा चालू की है इन्होंने सबसे पहले रेशम मार्ग से, मतलब सिल्क रूट से। किससे? सिल्क रूट से इन्होंने बेटा स्टार्ट किया है। ठीक। अब इससे पहले की अगर आप हिस्ट्री की बात करो, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज जानना चाहते हो, तो ऐसा है कि हमारे भारत से ही बहुत से साम्राज्य, इंडोनेशिया, एशिया के डिफरेंट जगहों पे, अफ्रीका में, ठीक है, और मायंस तक, मतलब अमेरिका तक, इजिप्ट तक, स्पेन तक, मतलब यहाँ तक हमारा कनेक्शन था। तो ग्लोबलाइजेशन उस लेवल पे हमारे पास था और उसके सबूत भी आज भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल आज भी एग्जिस्ट करता है और वो इस कालखंड से बहुत पहले का है जो इसके अंदर मेंशन है। पर इस सारी नॉलेज को छोड़ते हैं, कभी एक्स्ट्रा नॉलेज में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिल्क रूट की। इसकी रेशम मार्ग, ये रेशम मार्ग था क्या बेटा? रेशम मार्ग एक ऐसा रास्ता था जो चीन को बाकी दुनिया से जोड़ने का काम करता था। क्या? बाकी पश्चिमी देशों से जोड़ने का काम करता था। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एशिया, चाइना और बाकी के यूरोपीय देश हुए बेटा, इन देशों के अंदर जो व्यापार होता था उसका मेन रास्ता कौन सा था? सिल्क रूट था। यही रेशम मार्ग था, यही रेशम दर्रा था। तो भारत के अंदर से व्यापार वहां तक, वहां का व्यापार यहाँ तक पहुंच रहा था, आ रहा था, जा रहा था, तो उस रूट से ही, उस पास से ही, उस रास्ते से ही हम उसे कवर करते थे। ठीक है। वो रास्ता खाली व्यापार का रास्ता नहीं था, उस रास्ते ने कई सभ्यताओं को जन्म दिया और कई सभ्यताओं को खत्म भी किया। ठीक है। जैसे कि भारत का बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचा, ये सिल्क रूट की ही देन थी। ठीक। दूर से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में पहुंचा, ये भी बेटा उस रेशम मार्ग की ही देन थी। और ईसा के जन्म से पहले ही वो एग्जिस्ट करता था, मतलब ईसा पूर्व, जब ये सदी गिनते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के जो जन्म की तिथि को हम अपना मेन पॉइंट, सिंगल पॉइंट मानते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, तो उनसे पहले भी एग्जिस्ट करता था, मतलब 15वीं शताब्दी तक भी आराम से एकदम बढ़िया बेटा ये अस्तित्व में था और यूजेबल था। ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बात आप याद रखना, जब भाई एक आदमी दूसरे के पास बिजनेस करने जाता है तो पहले तो बिजनेस ऐसा होता नहीं होगा, अब तो गाड़ी में गए, प्लेन में गए, 2 मिनट की मीटिंग हुई, 10 मिनट की मीटिंग हुई, 1 घंटे की मीटिंग हुई, 1 दिन की मीटिंग हुई, अगले दिन वापस। पहले क्या किया? बड़ा टाइम लगाकर आदमी पहुंचता था तो वहां रुकता भी उस हिसाब से था और उतनी ही तैयारी करके फिर वापस के लिए निकलता था, और खाली हाथ तो निकलता नहीं था। फिर वहां वो बेटा पूरा ही काम करके आते थे। क्या? पूरा ही काम करके आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले बरातें भी 6-6 दिन, 7-7 दिन रुका करती थी, जब किसी की बारात आती थी तो रात में नहीं भागते थे वो, क्योंकि तो दूर से बारात आती थी, बड़ी मुश्किल से आना जाना होता था, तो वहां पे वो रुकते थे और रुक कर आराम से हफ्ते भर, 10 दिन के अंदर वापस जाया करते थे। ठीक है। रामायण के अंदर जो प्रसंग है उसमें बताते हैं ना कि राम जी को अपने घर वापस जाने के लिए भी जनक जी ने बहुत रिक्वेस्ट करवाई उनके पापा से, और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनको जाने की अनुमति दी। चलो ठीक है, बात अलग करते हैं। तो
ये जो रेशम मार्ग है इससे बेटा हर तरीके का लेना देना हुआ। अब भारत से क्या जाता था, भारत क्या देता था दुनिया को बेटा, भारत दुनिया को देता था मसाले। क्या देता था? मसाले। हर तरह के मसाले जो इस दुनिया के अंदर प्राप्त हैं आज, वो भारत के अंदर कभी ना कभी मौजूद थे और यही मौजूद थे। ठीक। दूसरा, भारत बेटा दुनिया को कपड़ा देता था। क्या देता था? कपड़ा। चीन बेटा दुनिया को कागज देता था, चीन बेटा दुनिया को बारूद देता था। ठीक है, क्योंकि वो चीजें उनकी देन थी। भारत दुनिया को इलाज देता था, आयुर्वेद देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर देता था, ज्ञान देता था। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा लेना देना होता था। अब सोना चांदी भी लिया दिया, जो हाथ से बनाए क्राफ्ट, वो सब कुछ चलता ही चलता था। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम किसी से व्यापार करते हैं, जो मैं बात कर रहा था वो बात बीच में छूट गई कि हम बहुत दिनों तक रुकते थे, तो बेटा रुकने से क्या होता था, हमारे विचारों का भी आदान प्रदान होता था, हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। या तो हम उनसे कुछ सिखाते थे या हम उनको कुछ सिखाते थे, समझ रहे हो ना। तो जो कल्चरल मिक्स हो रहा है, जो कल्चर के अंदर जो रिचनेस आ रही है, जो विविधता आई, वो भी बेटा इस व्यापार की देन है। क्या? व्यापार की देन है। दूसरा, लड़ाइयां भी हुई। क्यों? इस व्यापार से लालच उत्पन्न हुआ, उस लालच से कुछ देशों ने दूसरे देशों के संसाधनों पे कब्जा करने की होड़ मचाई। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने क्या किया, दूसरे दुनिया के देशों, दूसरे दुनिया से मेरा मतलब है जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, मतलब वो देश जिन्हें वो अपने हिसाब से बेटा उन्नत नहीं मानते, वहां पर संसाधनों की पूरी भरमार, उन संसाधनों को लूटने के लिए उन पर क्या किया गया, कब्जा किया गया, उपनिवेश किया गया। ठीक है, तो ये भी बेटा व्यापार का एक रूप था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई थी, तब अंग्रेज भारत आए थे, तो क्या बन के आए थे, व्यापारी तो बन के आए थे। और उस व्यापारी, वो धीरे धीरे व्यापारी कब हमारे देश के राजा हो गए हमें पता भी नहीं चला। समझ में आया? ठीक है, अगली चीज बेटा, इस दुनिया के अंदर कई चीजें ऐसी थी जो कहीं कहीं मिलती थी लेकिन हर कहीं नहीं मिलती थी। जैसे कि आलू जो था सिर्फ अमेरिका में पाया जाता था, कहाँ, आज वो दुनिया में हर जगह है। हमारे यहाँ रोज दूसरे दिन में कुछ ना कुछ आलू का बनता है। आलू की डिशेज के नाम गिनवाना चाहे तो अमेरिका वाले भी जहर खा के मर जाएंगे, जहर, क्योंकि जहाँ का आलू है वो इतना कुछ नहीं बना पाते, जहाँ का नहीं है वो तो पता नहीं क्या बनाते हैं, है ना। अच्छा, अगली चीज देखो, दुनिया में मसाले नहीं थे इतनी वैरायटी के, इंडिया से गए दूसरी तरफ। ठीक है, कपड़ा इंडिया से गया, इंफ्रास्ट्रक्चर गया, ज्ञान गया, नॉलेज गई। और बेटा बाहर की दुनिया से इंडिया में क्या चीज़ें आई, बाहर की दुनिया से इंडिया के अंदर आलू आया, टमाटर आया, मिर्च आई। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती थी, ये इंडिया के अंदर नहीं होती थी। जैसे कि चीन ने क्या दिया, खाने के रूप में अगर बात करें तो भोजन के रूप में नूडल दिया। नूडल कहाँ का है, ना अमेरिका का ना जापान का, नूडल है बेटा चाइना का। हमारे यहाँ पे आज उसे नूडल कहते हैं, उससे पहले हम उनको जवे बोलते हैं या सेवैयां बोलते हैं, है ना। ये बेटा चीन की देन है। किसकी? चीन की देन है। और कई बार क्या होता है कि वहां से एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया कि भैया नहीं सेवैयां ही बन के आई होंगी चीन से, नहीं, वहां से कुछ आया इस तरह की चीज, जवे जैसी चीज आई, उसको हमने दूध में बना लिया, वो मसाले में फ्राई कर लेते हैं, नहीं, अलग अलग तरह की चीजें। आज भी देखते हैं बेटा, चाउमीन भी 10 तरह के बना के देते हैं आदमी, सूप वाली, बिना सूप वाली, मंचूरियन वाली और नॉर्मल वाली और पता नहीं क्या क्या, चलो छोड़ो। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो धीरे धीरे बेटा होता रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, यूरोपीय जो देश थे, जो जिन्हें आप अंग्रेज बोलते हैं ज्यादातर लोग, जो इंग्लैंड के लोगों को अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया ना, और स्कॉटलैंड हो गया, और वेल्स हो गया। बेटा बहुत, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर एक हिस्ट्री बताई थी यूरोप की, तो यूरोपीय हिस्ट्री के अंदर सारे देशों के नाम गिनवाए थे, कैसे बेटा इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन बना, ये सारी संधियां आपको बताई थी। तो इस, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोपीय देश पहले कैसे थे, गरीब थे। क्या थे? गरीब। जो हमें गरीब बता रहे हैं, हमें पिछड़ा हुआ बता रहे हैं कि हमने आपके यहाँ पर आके डेवलपमेंट की, वो लोग बेटे सच में खुद ही पहले क्या थे, गरीब थे। वहां क्या थी, भुखमरी थी, वहां क्या थी, लाचारी थी, वहां क्या थी, मारामारी थी, और धर्म के नाम पे मार काट थी। क्या थी? धर्म के नाम पे मार काट थी। ठीक, ये बेटा एक्स्ट्रा की बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हें सच में अपने जवाबों में लिखनी है। ठीक है, लेकिन आलू ने बेटा उनकी जिंदगी बदल दी, यूरोप की जिंदगी किसने बदल दी, आलू ने। कैसे? क्योंकि तो बेटा खाने के लिए सिर्फ ज्यादातर वो मांस का उपयोग करते थे, लेकिन आलू एक ऐसी चीज थी जो कम खाने पे भी ज्यादा पेट भर देती है, उगाना बहुत आसान होता है। तो अमेरिका से जब वहां आलू पहुंचा, उनने बेटा यूरोप के उस आदमी के पेट में भी खाना पहुंचाया जो गरीब था, जो मांस अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक बार क्या हुआ बेटा कि 1840 के आसपास आयरलैंड में, आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है,
उसके अंदर क्या हुआ, एक ऐसी बीमारी फैली जिससे कि वहां पे आलू की फसल बर्बाद हो गई। क्या हुआ, आलू की फसल बर्बाद हो गई, तो वहां के लोग भूखे मर गए, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बेटा इस बात को थोड़ा सा याद रखना, क्या याद रखना। अच्छा, अमेरिका के बारे में बार बार बोल रहे कि अमेरिका से आलू आया, अमेरिका से आलू आया, उसने जिंदगी बदल दी। तो अमेरिका इससे पहले कहाँ था? तो बेटा था तो इस दुनिया में, लेकिन वहां तक यूरोपीय देश पहुंच नहीं पाए थे। वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाले आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस बेटा, कोलंबस ढूंढने निकला था इंडिया, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका पहुंच गया और बेटा अमेरिका की खोज हुई। वहां पर उसे कौन मिले? वहां के नेटिव अमेरिकन्स। कौन मिले? नेटिव अमेरिकन, मतलब अमेरिका के मूल निवासी आदिवासी उन्हें वहां पर मिले, जो कि बेटा आज बहुत ही कम मात्रा में जीवित है। उन्हें क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि बेटा कोलंबस जब सबसे पहले वहां गया, उसको लगा ये तो इंडिया है, ये तो भारत है। और भारत की उसने बहुत अच्छी बातें सुन रखी थी कि भारत बहुत समृद्ध देश है, भारत बहुत ज्ञानशील देश है, वहां बहुत समृद्धि है, बहुत डेवलपमेंट है। ये सब सोच के बेटा हर कोई भारत को पाना चाहता था, हर कोई भारत को पाना चाहता था। तो उसी के लालच में कोलंबस भी पहुंचे, क्योंकि यूरोपीय देश क्या चाहते थे? ऐसे देश को खोजो जिनसे साधन लूटे जा सके और गरीबी दूर हो। क्यों बेटा? वो कभी भी इस तरह के लोग नहीं रहे जिन्होंने खुद करके कुछ खाया हो, क्योंकि वो हमेशा उपनिवेश के ऊपर रहे। उन्होंने दूसरों से लूटा, अपना बनाया और खुद को महान बताया, लेकिन ये खेल बेटा ज्यादा दिन चल नहीं पा रहा। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से भी डाउन जा चुकी है और वो डाउन जाती चली जा रही है। क्यों? उनके पास बेटा कोई ऐसा स्ट्रक्चर था ही नहीं जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो खुद अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़े होके बिना किसी को लूटे सिस्टम बनाकर अपने आप कमाई करके अपने देश को आगे बढ़ा सके। उनका तो बेटा लंदन भी पूरा का पूरा भारत के पैसे से बना हुआ है। उन्होंने तो अपने विश्व युद्ध भी भारत से लूटे हुए पैसों से और अफ्रीका से लूटे हुए संसाधनों पे और यहीं के सैनिकों से लड़े थे, नहीं तो उनकी औकात ही क्या थी। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो। अब बेटा अंग्रेजों का एक हथियार, तो अंग्रेज मैं बार बार बोलता हूँ, यूरोपीय बोलूंगा सॉरी, क्योंकि अंग्रेज एक ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो खाली इंग्लैंड के लोगों को बोलते हैं, यूरोप के अंदर तो बाकी और भी देश आते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय मतलब आपको बताया कोलंबस वहां पहुंचा। अब इंडियन कैसे नाम पड़ा मैं भूल गया, फिर से बताता हूँ, भूल गया सॉरी। तो इसलिए इंडियन नाम दिया उन्होंने रेड इंडियन, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, धूप में काले हैं, धूप में कैसे लाल हो रहे हैं, रेड। वहां के लोग कैसे हैं, उनकी स्किन कैसी है, रेड। कोलंबस कैसा था, गोरा, व्हाइट, लेकिन उसने लोग देखो कैसे थे, रेड। तो उसने उनका नाम दिया रेड और वो समझ रहा था इंडिया है, तो क्या दिया उसने, रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड इंडियन। ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले बीड़ी बनाने वाला भी कोलंबस ही था, शायद रेड इंडियंस ने उसको तंबाकू डाल के एक बीड़ी बनाने की विधि बताई थी, जिसने सबसे पहले उसने एक बीड़ी बनाई थी पान के पत्ते से और वो उसने पी थी। पता नहीं इसमें कितना फैक्ट है, कितना सच है, पर ऐसे ही था। चलो बेटा अगला पढ़ते हैं। यूरोपीय देश जो थे बेटा, हम साम दाम दंड भेद मतलब दिमाग से और हर तरीके से लोगों को मजबूर करके या धीरे धीरे वहां घुस के उनकी नीतियों में घुस के बेटा वहां पर कब्जा कर लिया करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य वहां के संसाधन को लूटना था और खुद को धनवान बनाना था। ठीक बेटा, उन्होंने बेटा बीमारी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आप सोच सकते हो क्यों? जब बेटा कोई जब व्यापार होता है तो व्यापार से कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट से मैंने बोला सभ्यता का एक्सचेंज भी होता है। तो साथ में बेटा वो अपने साथ कोई आदमी आ रहा है व्यापार करने आ रहा है तो अपनी बीमारी भी तो साथ में लाएगा, अपना कल्चर ला रहा है, अपना सामान ला रहा है तो अपनी बीमारी भी तो लाएगा। तो बेटा यूरोपीय लोग अपने साथ क्या लाए? अपनी बीमारियां भी लाए। क्यों? देखो बेटा, हम जो भारत के लोग होते हैं, जैसे आप सुनोगे कभी चंगेज खान की कहानी सुनोगे, या चंगेज खान की कहानी, खैर वो तो इंडिया कभी आया नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तैमूर की कहानी, तैमूर लंग। ऐसा कहते हैं कि उसकी आर्मी के लोग यहाँ इंडिया में आने से डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर आकर लोग बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया तो बेटा उनके सैनिक बहुत बीमार हुए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं कि यहाँ का वातावरण प्रदूषित है, ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा है बेटा कि यहाँ की कंडीशंस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम आराम से लड़ लेते हैं। क्यों? हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे लिए काम मुश्किल नहीं है। रशिया में जो लोग रहते हैं वो 0 डिग्री से नीचे रहने के आदी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 10-12 डिग्री की हवा बाहर चल जाए तो लोग बेटा लकड़ी की लकड़ियां फूंक डालते हैं घर की आग जला के, और उनका यही टॉपिक होता है कि सर्दी बहुत है। लेकिन जो आदमी रशिया में पैदा हुआ उसके लिए बेटा ये वाली ठंड तो कुछ भी ठंड नहीं है, इतनी ठंड में तो बेटा वो शर्ट उतार के घूमते हैं। आपने मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था अभी जनवरी में, ठीक ठाक ठंड थी, इंडिया के लोग स्वेटर में बैठे हुए थे और इंग्लैंड के लोग बेटा शर्ट उतार के बैठे हुए थे और हाथ में क्या थी, बियर की गिलास। ठीक है, तो उसका क्या मतलब, उन्हें ठंड नहीं लग रही थी बेटा, उनको जो इतनी नॉर्मल ठंड तो उनके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जैसे गर्मी जब बहुत हो जाती है
तो हमारे लिए 40 डिग्री 42 डिग्री कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं, क्योंकि हम तो नॉर्मल जीते हैं इतनी गर्मी में। लेकिन बेटा वो विदाउट एसी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें ठंड में रहने की आदत है। इसलिए तो अंग्रेजों ने यहाँ पे हिल स्टेशन बनाए थे, है ना, ये जो हिल स्टेशन डेवलप किए नैनीताल हिमाचल डलहौजी क्यों किए, क्योंकि बेटा यहाँ की गर्मी उन्हें सहन नहीं होती थी। और बाबर को भी यहाँ भारत से भगाने वाली गर्मी तो थी, यहाँ की गर्मी नहीं सहन कर पाया वो। अफगानिस्तान का तो बेटा इतना माहौल ठंडा होता है, वहाँ का तो इतना गर्म है नहीं। खैर छोड़ो, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैं आपको बता रहा था बीमारी भी अपने साथ लेकर गए। जिस बीमारी ने क्या किया, मेरी बीमारी मुझे तो परेशान करती नहीं, जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको दोबारा कोरोना भी नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है जो उस रोग से लड़ सकती है। एक एक्सटर्नलिटी दे रहा हूँ, जब बेटा बच्चा छोटा होता है तो उसको हम क्या लगाते हैं, टीबी का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। या तुम्हारे चोट लगती है तो किडनी टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, लोहे से लग जाता है तो क्या होता है, दवाई होती है बेटा, वो दवाई नहीं होती, वो असली में टिटनेस का वायरस ही होता है, बस उसको कम मात्रा में तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, तुम्हारा शरीर उसके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडी बना लेता है, वो ज्यादा तो होता नहीं है, इसलिए आपको टिटनेस तो होती नहीं, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है कि आपका शरीर उस रोग से लड़ने की ताकत बना लेता है। तो अगर टीटी कभी टिटनेस हुआ तो आपका शरीर उससे लड़ लेगा, ज्यादा मात्रा में भी आया तो, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखना, 15वीं शताब्दी में बेटा यूरोप के नाविकों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोज लिया। क्या रास्ता खोज लिया? अच्छा कैसे बेटा, अमेरिका जाने का कोई रास्ता तो था नहीं, प्लेन तो था नहीं, रास्ता तो था नहीं, तो नाव से तो पहुंचे थे। कोलंबस कैसे पहुंचा था? अपने जहाज से ही तो पहुंचा था। तो कब पहुंचे थे? 15वीं शताब्दी में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर क्या था, गरीबी थी, भुखमरी थी, धार्मिक मारकाट थी, है ना, असमानताएं थी, इन सब चीजों से परेशान थे, इसलिए बेटा दूसरी जगह पर वो लूटने खसूटने के लिए घूमते थे, ठीक है। अब एक बात देखना, यूरोप के लोगों ने एक बीमारी बेटा फैलाई अमेरिका में, कौन सी, चेचक की बीमारी। कौन सी? चेचक की बीमारी से बेटा उन्हें तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो वहाँ के लिए तो नॉर्मल थी। लेकिन जब वो बीमारी अमेरिका में पहुंची तो वहाँ के कितने, वहाँ के बेटा 50-60% आदमियों की मौत हो गई। क्या हो गई? 50-60% आदमियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से बेटा यूरोपियंस का वहाँ पे कब्जा हो गया। ना गोली चली, ना ड्रामा हुआ, बीमारी नहीं उनका हथियार बना, और बीमारी ने क्या दिलाई, फतेह दिलाई, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा लेकिन बेटा जब चीन की तरफ वो बढ़े तो चीन ने बेटा अपने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि चीन को नजर आ गया था कि ये एक चलाक देश है, चतुर देश है, और इसके पीछे कुछ चलाकी है। तो यूरोप बेटा कई दशकों तक यूरोप के हमलों से बचा रहा। क्या बचा रहा? अंततः कब्जा हुआ अंग्रेजों का वहां पे, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत में उसको अपना उपनिवेश नहीं बना पाया, तो थोड़ा स्मार्ट खेल गया चीन। क्या खेल गया बेटा? थोड़ा स्मार्ट खेल गया। अच्छा बेटा एक चीज और समझो, तो अब बेटा इस दुनिया के अंदर क्या आ रहा था धीरे धीरे, तो पुरानी बातें हो गई कि किस तरीके से बीमारी पहुंची, किस तरीके से बेटा खाना इधर उधर पहुंचा, किस तरीके से जहाज पहुंचे, उससे पहले कैसे हम सिल्क रूट से बेटा व्यापार करते थे। अब इसके बाद एक चीज देखो कि किस तरीके से दुनिया बदली, दुनिया बिल्कुल उलट पुलट हो गई बेटा, उसको मेन बात बोलते हैं, बोलते हैं दुनिया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। वो वक्त जज्बात हालात कब बदले? वो बदले औद्योगिकरण में, जब मशीनीकरण का युग आ गया। मतलब मशीनीकरण का युग का मतलब है जब बेटा यूरोप के अंदर फैक्ट्रियां खुलने लगी, मतलब जहां पर ऐसी मशीनें बनने लगी जो काम आदमी कई दिनों में कर पाता था वो मशीन कुछ घंटे में करने लगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण का युग। उसने क्या किया, इस पूरी दुनिया को बेटा बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके बनने से चीजें बनने लगी, चीजें तेजी से बनने लगी, ठीक है, चीजें तेजी से बनने लगी, उन चीजों की दुनिया में डिमांड बढ़ने लगी, और बेटा यूरोपीय देश उस मशीन के अंदर सामान तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आगे कुछ निकलेगा, है ना। मान लो उससे कपड़ा बनाने की मशीन है तो उसके अंदर बेटा धागा तो लगाना पड़ेगा ना, तो उस धागे को लाने के लिए, उस धागे को अरेंज करने के लिए यूरोप के देशों ने क्या किया बेटा, भारत जैसे देश, अफ्रीका जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को क्या किया, लूटा और खसूटा। आप याद रखना, आज जितने भी बेटा लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं वो वहां के असली निवासी नहीं है, ज्यादातर वो लोग कौन है, यूरोपीय लोग ही हैं, जो वहां पर जाकर बस गए, वहां पर जाकर बस गए पैसों के लिए, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी जमीन थी, अमेरिका खाली था, बड़ी बड़ी जमीन वहां ना। यहाँ पर यूरोप के अंदर बेटा जिस बेटे को अपना हक नहीं मिलता था, जमीन नहीं मिलती थी बेटा, वो जाकर अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी जागीरों का क्या बन जाता था, मालिक बन जाता था, भूस्वामी बन जाता था, ठीक है। ये हमने 9th class के अंदर पढ़ा हुआ है कि कैसे नेटिव अमेरिकन के साथ, मतलब वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ हमने, उन्होंने क्या किया यूरोप के लोगों ने,
ऐसा शोषण किया कि उनको खत्म कर दिया। आज वो हमारे बेटे बहुत जो असली अमेरिकन है वहां पर बहुत रेड इंडियन बहुत ही कम संख्या में है। बाकी तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी भी ऐसे ही खत्म किए गए हैं। कौन? यूरोपीय लोग। सारे लोग कैसे हैं? सारे अंग्रेज जैसे नजर आते हैं? नहीं, नहीं नजर आते सारे अंग्रेज जैसे। बेटा ऑस्ट्रेलियन भी वैसे ही नजर आता है, इंग्लैंड का आदमी भी वैसे ही नजर आता है ना, अमेरिकन भी कुछ वैसे ही नजर आता है ना। क्यों नजर आते हैं वो सारे? क्योंकि बेटा उनका सारा बैकग्राउंड एक ही है। क्या है? बैकग्राउंड एक ही है, ठीक है। 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादातर वो लोग वही है, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है बेटा। अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो बेटा, इकोनॉमिक्स जो होती है, जैसे इकोनॉमी जो होती है बेटा, अर्थव्यवस्था जो होती है वो तीन प्रकार से चलती है। अर्थव्यवस्था बेटा तीन प्रकार से चलती है, एक बार समझना, ठीक है। पहली, एक तो बेटा व्यापार के आदान प्रदान से, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था में मैं सिर्फ बना रहा हूं, आगे दे ही नहीं रहा, अर्थव्यवस्था चल सकती है? कभी नहीं चल सकती ना। तो बेटा व्यापार का आदान प्रदान होना चाहिए। मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, वो मुझे कुछ दे रहा है, मैं बदले में उसे कुछ दे रहा हूँ, इस हिसाब से हम दोनों बढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरा होता है बेटा श्रम का आदान प्रदान, मतलब लेबर एक्सचेंज। जैसे मजदूरों की कमी, वहां से लेबर लाई गई, क्या लेबर लाई गई, मजदूरों की कमी तो यहाँ से लेबर दी गई, ये ठीक है। अगली चीज क्या है बेटा? पूंजी का आदान प्रदान, मतलब मशीन है, लेबर है, माल भी है, कच्चा माल भी है लगाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं। क्या नहीं है? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत पैसा लगता है, ट्रांसपोर्ट, मार्केट है ना, और क्या बोलते हैं आजकल तो वो भी चल गया है एडवर्टीजमेंट, तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? निवेश, पैसा चाहिए बेटा। ये तीन चीजें होनी जरूरी है। अच्छा बेटा एक चीज और, कि अब जो ये अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ कैसी, जैसे ग्लोबलाइज अर्थव्यवस्था का भी निर्माण हुआ, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था, मतलब पहले तो देश की अर्थव्यवस्था थी, अब इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे हो गई? क्योंकि तो सारे देश आपस में जुड़ गए। जैसे कहने की बात थी कि सारे देश आपस में जुड़ गए, एक्चुअली यूरोप ने धीरे धीरे जगह जगह उपनिवेश बना के सबको खुद से जोड़ डाला। फिर बाद में जैसे जैसे वो अपने अपने आजाद होते चले गए, उन्होंने अपनी अपनी इकोनॉमी डेवलप करना स्टार्ट कर दी, अपने अपने रिश्ते अपने अपने हिसाब से बनाने चालू कर दिए, और बेटा वो देश आपस में बढ़ने लगे। अब सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। क्या है? कुछ देशों से बिल्कुल कटे हुए हैं हम, लेकिन कुछ देशों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्या है? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है बेटा? एक अर्थव्यवस्था बनती है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर वहां से हमारे कुछ रिश्ते टूटेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में बेटा डाउनफॉल आ जाएगी, ठीक है। क्यों? हमारे द्वारा बनाई गई कुछ चीजें बेटा उस देश में बिकती हैं। आज सऊदी अरब का तेल खरीदना दुनिया बंद कर दे तो सऊदी अरब वाले बेटा बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े महलों से उतर कर ऊंट पर घूमने लगेंगे, है ना। उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिजली आना बंद हो जाएगी, उनके पास लेबर भी नहीं है काम करने के लिए। सारी लेबर कहाँ से बुलाते हैं? एशिया से बुलाई जाती है। ज्यादातर लेबर कहाँ से जाती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेबर जाना बंद कर देगी अगर वो पैसा ही नहीं होगा उनके पास तो काम धंधे ठप, खुद तो कुछ करना जानते ही नहीं, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पानी भी उठा के पीते नहीं, दूसरों पर डिपेंड है। लेकिन बेटा दुनिया भी तो उनके पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, क्या समझ रहे हो? दुनिया भी तो उनके पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, तो उनको दुनिया की, दुनिया को उनकी जरूरत है। अगर उनको हमारी जरूरत है तो बेटा हमको भी तो उनकी जरूरत है। तो यही तो क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी ना। क्या बनी? वैश्विक अर्थव्यवस्था। बेटा इसकी शुरुआत कैसे हुई? बेटा इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में यूरोप की यूरोप से। यूरोप ने स्टार्ट किया ना ये सब कनेक्शन। तो पहले तो बेटा नॉर्मल धीरे धीरे हल्के फुल्के कनेक्शन थे आसपास, इतने लंबे कनेक्शन समुद्री मार्ग से बनाए उसने, उपनिवेश के रास्ते ही बनाए चाहे, लेकिन वो कनेक्शन बिल्ड करने वाला तो यूरोप ही था ना। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ क्या भाई? यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी। और वहां की गवर्नमेंट क्या करती थी? बाहर के देशों से सामान लाती थी, खाना लाती थी। अमेरिका खोज चुके थे, ऑस्ट्रेलिया खोज चुके थे, वहां से सामान लाकर अपनी मार्केट में बेचती थी, सस्ते दाम पे मिल जाता था। तो वहां के जो बड़े बड़े मजदूर थे, सॉरी बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने क्या बोला? हमसे खरीदो, बाहर से मंगवाना बंद करो। क्यों? हमारा काम धंधा छिन रहा है, हमारा काम धंधा छिन रहा है, अब हमसे मंगवाओ, अब हम खिलाएंगे खाना, हम देंगे उचित रेट पे। इससे क्या होगा? हम भी बने रहेंगे, आप भी बने रहोगे। वहां की गवर्नमेंट ने बेटा क्या ये बात मान ली, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्न एक्ट। क्या बोलते हैं? मतलब मक्का वहां से मंगवाया जाता था बड़ी मात्रा में, है ना, यूरोप में। तो मक्के पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। इम्पोर्ट पे क्या लगा दिया? बाकी सब पे नहीं लगाया, सिर्फ मक्के के इम्पोर्ट, मतलब फूड के इम्पोर्ट पे। मेन फूड प्रोडक्ट क्या था? मक्का। वहां पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। लेकिन बेटा उन्होंने, वो जो लोग थे, वो जो व्यापारी थे, वो जो किसान थे, बड़े बड़े जागीरदार थे,
वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि जनसंख्या क्या थी, लगातार बढ़ रही थी और उन्होंने दाम भी बेटा क्या कर दिए, हाई कर दिए। तो हाई दाम की वजह से क्या हुआ, भुखमरी फैल गई। क्या हो गई? भुखमरी फैल गई। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खरीद के खाने के लिए। जमींदार तो ठीक चल रहे थे, उनके तो सामान बिक रहा था, लेकिन खरीदने वाले खरीद नहीं पा रहे थे। तो बेटा इसका विरोध हुआ और इसको हमारे कॉर्न एक्ट को या मक्के के आयात पर लगे हुए जो एक्ट था उसको बेटा कॉर्न लॉ को, कॉर्न एक्ट को या कॉर्न लॉ को हटा दिया गया। उससे क्या हुआ कि दोबारा से मक्का सस्ते रेट पर अमेरिका से आने लगा, मतलब बाहर या एशिया कंट्री से आने लगा। उससे क्या हुआ, ये जो बड़े बड़े किसान बड़े बड़े जमींदार थे इनका महंगा मक्का कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ये बर्बाद हो गए। क्या हो गए? बर्बाद हो गए। इनके बड़े बड़े खेत के हिस्से क्या थे, खाली पड़े रहते थे। क्या खाली? और ये कैसे हो गए, खुद बेरोजगार हो गए। कहाँ भागे? शहरों की तरफ भागे। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढने, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए क्या भागे। और बेटा यही लोग यहाँ से उठ के कहाँ भागे, अमेरिका भाग गए। क्यों? अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था बेटा, अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरोपीय लोगों ने क्या लगा दिया, वहां के जो प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए सिस्टम बनाया, रेल बिछाई, है ना, जिस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे तैयार किया इंडिया के अंदर। लोग बोलते हैं कुछ लोग कि अंग्रेजों ने हमें ये दिया। भाई अंग्रेजों ने हमें ये नहीं दिया, अंग्रेज अपनी फैसिलिटी के हिसाब से ये सारी चीजें बना रहे थे यहाँ पे ताकि वो आराम से लूट सकें, एक सिस्टम वाइज लूट सकें। तो ये सिस्टम उन्होंने दिया है। क्या ये बाद में हम डेवलप नहीं कर सकते थे? क्या वो कंट्रियां डेवलप नहीं कर पाई जिनके ऊपर कब्जा नहीं हुआ था, जिनके ऊपर उपनिवेश नहीं हुआ था? तो ये बेटा ये तर्क बहुत बेकार है जो लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर कब्जा नहीं करते तो हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती, ठीक है। और एक तर्क और दिया जाता है, अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो मुगल सल्तनत कभी यहाँ से हटती नहीं और हमेशा हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहता। पर ऐसा कुछ नहीं था बेटा, जिस टाइम अंग्रेज यहाँ आए उस टाइम बेटा मुगल सल्तनत वैसे भी धीरे धीरे अपने पतन की तरफ थी और हमारे जैसे कुछ राजा जैसे जैसे मराठी राजा, मराठी साम्राज्य की बात करें, वो अपने चरम पर था, अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो ऐसा भी कहना बेकार है कि मुगल सल्तनत या मुगल सल्तनत को हटाने वाले अंग्रेज थे, ये सारी चीजें। हाँ देखो, हर बुराई में हम कुछ अच्छाई जरूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब बुराई ज्यादा और अच्छाई कम हो तो उस बुराई को हम अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे दूध में एक गिलास दूध है, अच्छा है, पर उसमें एक बूंद जहर है तो हम उसे पियेंगे नहीं, ये सोच के कि जहर तो एक ही बूंद है, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, तो अब क्या हुआ, वो लोग बेटा जो बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या हुआ, बेरोजगार हुए, शहर की तरफ भागे, अमेरिका में भागे, ऑस्ट्रेलिया में भागे। और बेटा वहां की जनसंख्या क्या हुई, इस तरह के लोगों के वहां से भागने से क्या हुई, वहां की जनसंख्या बढ़ी, अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी, लेकिन वहां के मूल निवासियों की जनसंख्या घटी। बेटा ऐसा कहा जाता है, कितनी, ऐसा कहा जाता है कि आज वहां पे मूल निवासी बहुत कम और बाकी यूरोपीय ही वहां पे बहुत अधिक है, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, अब औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, एक चीज और देख लो, कॉर्न एक्ट के हटने के बाद, कॉर्न लॉ के हटने के बाद क्या हुआ भाई, कॉर्न लॉ के आने के बाद तो अनाज सस्ते में मिलने लगा, डिमांड अनाज की बढ़ने लगी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब बाकी एक दिक्कत और आई कि औद्योगिकरण के कारण क्या हुई, बहुत सारी रेलवे लाइन बिछी। क्या हुई? रेलवे लाइन बिछी। क्यों बिछी? क्योंकि भाई जब औद्योगिकरण हुआ तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो बेटा बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, बंदरगाह होता है बेटा जहां से जहाज बनकर चलता है, तो जहाजों तक सामान पहुंचाने की फास्ट तरीका होना चाहिए, सामान बन रहा जल्दी पहुंचाओ, तो रेल ट्रैक्स बिछाई गई, समझ गए। अच्छा, और बेटा भोजन की डिमांड भी बढ़ती रही, क्यों, जनसंख्या भी लगातार यूरोप की बढ़ रही थी। अच्छा बेटा, अब एक बात देखो, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दबा के लेबर बढ़ रही थी क्योंकि वहां लेबर की किल्लत थी, उन्हें चाहिए थी लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था ना तो लेबर चाहिए थी, तो दबा के बेटा यूरोपियंस वहां पर जा रहे थे। और एक बात और देखो, 1890 तक आते आते कृषि देश की और ग्लोबल इकोनॉमी का निर्णायक हुआ, इसका निर्माण हुआ, इसका मतलब अब 1990 आते आते इस पूरी दुनिया की जो मेन इनकम सोर्स हुई, जो मेन इकोनॉमी थी, वो क्या थी, मेन इकोनॉमी क्या थी, खेती थी, किसानी थी, क्या थी, फार्मिंग थी, ठीक है। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि टोटल कितने लोग वहां पर गए यूरोप से, अमेरिका, 5 करोड़ लोग गए, कितने, 5 करोड़ लोग वहां पर गए। अच्छा, एक और चीज देखो, तकनीक की भूमिका, क्या तकनीक की भूमिका, बेटा ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि औद्योगिकरण ने ही कई देशों के या यूरोप को स्पेशली डेवलप्ड देशों की कैटेगरी में डाल दिया, क्या कैटेगरी में डाल दिया, क्यों, उद्योग बना, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना तो बेचा गया तो पैसा बना, और पैसा बना तो बेटा वो अमीर होते चले गए। दूसरी चीज, इसी
एक और चीज तैयार हुई थी, एक चीज रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज वाले जहाज बने, कैसे फ्रिज वाले जहाज, उसको बोलते हैं परिचित जहाज, क्या बोलते हैं, हाँ परिचित, परिचित जहाज मतलब अब क्या होता था, पहले बेटा खाना पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्यों बेटा यूरोप के लोग ज्यादातर तो मांस खाते हैं, है ना, ज्यादातर शौक में क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, तो बेटा एक जानवर को जिंदा लेके जाना पड़ेगा यूरोप तक, बहुत दूर है अमेरिका यूरोप के बीच की दूरी, ठीक, या एशिया से लेके जा रहे हैं तो कैसे जिंदा लेके जाना पड़ेगा, अगर मार के लेके जाएंगे तो वहां तक सड़ जाएगा, लेकिन फ्रिज वाले जहाज के निर्माण से क्या हुआ, अब बेटा जानवर को मस्त मारते थे, जगह भी नहीं घेरता था, मांस में कन्वर्ट हो जाता था, वेस्ट भी नहीं होता था, वजन भी नहीं बढ़ता था, और फ्रिज में लगाया और लेकर चले गए, ऐसा भी कहते हैं टैक्स भी लगता था जिंदा जानवर पे, मरे हुए के मांस पे लगता नहीं था, ठीक है। चलो बेटा अगली चीज देखो, रिंडर पेस्ट, क्या, हाँ रिंडर पेस्ट, अब ये रिंडर पेस्ट क्या हुई, रिंडर पेस्ट का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से फैलती थी, इंसान ने चेचक फैलाया था अमेरिका में, यूरोप के इंसान ने चेचक फैला के आगे कितने लोग मार दिए, 50-60% लोग मार दिए, और वहां पे क्या किया, बीमारी से जीत गए। बेटा यूरोप के जानवरों ने भी ये जहर फैलाया अफ्रीका में, जब उन्होंने अफ्रीका पे कब्जा किया, क्यों, अब बेटा जैसा मेरा शरीर है वैसे ही तो जानवर का शरीर है ना, तो जानवर भी बेटा यहाँ का क्या होता है, कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पहले ही होती है, यहाँ के मौसम से लड़ने की क्षमता पहले ही होती है, दूसरी जगह पर जाएगा उसके संपर्क में दूसरे जानवर आएंगे तो हो सकता है यहाँ की बीमारी जो उससे कुछ नहीं कर रही लेकिन वहाँ के जानवरों को कर दे। बेटा इसी बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट, और रिंडर पेस्ट बीमारी ने बेटा क्या किया, अफ्रीका के अंदर जाके लगभग वहाँ के 90% मवेशी मार डाले। अब क्या हुआ बेटा, वहाँ के जो लोग थे पूरी तरीके से कृषि प्रधान थे, और कैसे कृषि प्रधान थे, अपने मवेशियों के ऊपर ही डिपेंड करते थे, किस पे, अपने मवेशियों के ऊपर ही बेटा वो डिपेंड करते थे। अब उनके मवेशी मार दिए तो उनकी हालत क्या हो गई, बहुत गंभीर हो गई, क्या, बहुत गंभीर हो गई, समझ गए। अच्छा उसके बाद बेटा क्या हुआ, जब पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर लिया गया यूरोप के लोगों द्वारा, उन्हें लूटा जाने लगा, तो बर्लिन के अंदर एक मीटिंग हुई, बर्लिन गया यूरोप के अंदर ये, तो बेटा बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन के अंदर बेटा एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन सा यूरोपीय देश अफ्रीका के कौन कौन से हिस्से में कब्जा करेगा। तो यूरोप आज कैसा है, वो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका कैसा है, पूरा बटा हुआ है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे, केनिया, जिम्बाब्वे, है ना, क्रिकेट देखते होंगे अलग अलग तरह के नाम आते होंगे बेटा, वो अफ्रीका के सारे देश क्या है, बटे हुए हैं। किस हिसाब से बटे थे, वो अंग्रेजों ने बेटा अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से उन्हें अपने आपस में बांटा था। अब बेटा जरा भारत की बात करते हैं, क्या, भारत की बात करते हैं। अब भारत के अंदर से भी बेटा लेबर को बाहर ले जाया जाता था, मजदूरों को ले जाया जाता था, तो यहाँ से जो लोग लेकर जाए जाते थे उनको बंधुआ मजदूर बोलते थे, क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर, क्या बोलते थे। अब ये गिरमिटिया क्या है, तो बेटा एक परमिट साइन कराते थे अंग्रेज, क्या करते थे, कागज साइन कराते थे जिसके अंदर उनको बहुत लालच देते थे कि बहुत बढ़िया लाइफ होगी, बहुत पैसा मिलेगा, काम भी कम होगा, घर भी बीच में आया जाया करोगे, और एक परमिट साइन कराते थे जिसके अंदर 5 से 7 साल 10 साल का एग्रीमेंट होता था, और उसके अंदर बेटा क्या शर्तें थी कि अब ये गया, इसके ये मरे जिए, हम इसे आगे बेच दें या कुछ भी हो, और घर आने की नो गारंटी। तो कई बेटा गिरमिटिया मजदूर मतलब जिनसे परमिट साइन करा गया, तो परमिट तो यहाँ के लोग बोल नहीं पाते थे, तो परमिट को परमिटिया, परमिटिया से हो गया गिरमिटिया, तो गिरमिटिया मजदूर हो गया। तो गिरमिटिया मजदूर बेटा आज भी अगर हम देखें तो अफ्रीका के अंदर, वेस्ट इंडीज के अंदर, है ना, क्या होता है बेटा वहाँ पे आज भी तुम्हें कुछ लोगों के नाम ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा अरे ये तो बिल्कुल भारत वाला नाम है, जैसे कि शिव नारायण चंद्रपाल, है ना, सुनील नारायण, और जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये कोई इंडिया का आदमी है ही नहीं, ये कौन है, ये नाम है बेटा वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के नाम है। आज भी बेटा वो लोग अपने बच्चों के नाम भगवानों के ऊपर रखते हैं, लेकिन आज चाहे वो बच्चे भूल गए हो लेकिन उनकी रूट्स क्या है, वही इंडिया के लोग हैं जो यहाँ पे परमिटिया मजदूर या गिरमिटिया मजदूर बन के वहाँ गए पर वापस कभी नहीं आए। बेटा दूर दराज आइलैंड्स में उन्हें फेंक दिया जाता था, किसे यहाँ का नौकर बनाया, कोई मरा गिटा, 12 घंटे काम कराया, 24 घंटे काम कराया, खाना दे ना दे, उनकी जिंदगी बेटा बहुत नरक हुआ करती थी, ऐसा कहते थे कि एक बार जो गया वो वापस नहीं आया, ठीक है। और बेटा ये प्रथा 1921 में भारत में खत्म की गई, 1921 में, लेकिन जब तक कई हजार लोगों को बाहर भेज दिया गया, समझ गए, ठीक है। बेटा अफ्रीका के अंदर जो लोग होते थे वो कृषि प्रधान थे, मतलब पैसे वाली दिक्कत तो कुछ थी नहीं, क्योंकि बेटा उनके पास तो अपने खाने पीने के पूरे साधन थे, कबीला सिस्टम वहां पर हुआ करता था, मुद्रा पैसा इन सब चीजें की चीजें तो वहां पर थी नहीं, तो वो लोग बेटा काम क्यों करेंगे, और बेटा उनको क्या बना रहा था यूरोप के लोगों को, मजदूर,
तो बेटा उन्होंने वहां पर क्या सिस्टम चालू किया, उन्होंने ये सिस्टम चालू किया कि अफ्रीका के अंदर अगर बाप मरेगा तो प्रॉपर्टी सिर्फ बड़े लड़कों को मिलेगी और बाकी जितने भी छोटे लड़के होंगे सारे प्रॉपर्टी विहीन हो जाएंगे, तो बेटा उन्हें झक मार के काम करना पड़ेगा। दूसरा सिस्टम वहां पे क्या किया बेटा, वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, जंगलों में टैक्स लगा दिए, जानवर पालन पर टैक्स लगा दिए, और बेटा आधे जानवर तो वैसे बीमारियां मार ही रही थी जो एशिया से जा रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड वॉर वन, पहला विश्व युद्ध का बेटा इस दुनिया पे क्या असर पड़ा। तो पहला 1914 से 1918 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर लड़ाया गया मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियों के बीच। तो बेटा ये जो यूरोप था, ये जो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या था, मित्र राष्ट्रों में से एक ही तो था, और केंद्र सत्ता का कौन हारा था, जर्मनी हार गया था। क्या बेटा, जर्मनी हार गया था। आप एक बात याद रखना बेटा, यूरोप ने ही, यूरोप पूरा मेन पॉइंट था, वर्ल्ड वॉर वन का मेन पॉइंट था कौन, यूरोप था बेटा। इस वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर लेकर के आई, ये बेटा वर्ल्ड वॉर पूरे दुनिया के अंदर महामंदी लेकर आई, भुखमरी लेकर आई, क्या बीमारियां लेकर आई, है ना, गरीबी लेकर आई। ठीक है, और बेटा यूरोपीय देशों ने इन सब की भरपाई कहां से की, अपने औपनिवेशिक देशों से की, भारत से की, अफ्रीका से की, है ना, और अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पे बेटा हमें लूटा गया है। और इनके बारे में काउंटिंग्स पढ़नी है तो 9th क्लास के अंदर हम बेटा ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ के आए हुए हैं कि उपनिवेशवाद ने क्या क्या लूटा हमारे को, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बात करो चाहे हमारे लोगों की बात करो बेटा, यहाँ पर जवान लोगों को जबरन आर्मी में भर्ती किया जाता था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। पता नहीं बेटा कितने भारत के मजदूर या भारत के लोग, भारत के किसान, भारत के यंग लड़के विदेशों में बेटा गए और बाहर उन लोगों की गोलियां खाते हुए मर गए जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और उन लोगों के लिए लड़ते हुए मर गए जो हमारे ऊपर कई सालों से अत्याचार कर रहे थे। ठीक, और इस चीज का साथ बेटा किसने दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बेटा इस चीज का साथ दिया था, और उनके एक बड़े प्रसिद्ध लीडर का नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। बाकी गांधी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में लिखिए, मैं तो उन्हें महात्मा मानता हूँ। देखो बेटा अगला देखो, ग्लोबल महामंदी आई, क्या बेटे, ग्लोबली महामंदी आई, पूरे विश्व में क्या आई, महामंदी आई। कैसे, 1929 से 1930 के बीच में महामंदी आ गई। महामंदी का क्या मतलब है कि बेटा मार्केट बिल्कुल ठप हो गई। बेटा इकोनॉमी के अंदर मार्केट कब ठप होती है, मार्केट तब ठप होती है बेटा जब खरीदार ही ना हो, क्या, जब खरीदार ना हो, या खरीदार तो हो पर सामान ना हो, ये दो कंडीशन बेटा महामंदी लाती है, मार्केट को ठप करती है। और हम वैश्विक महामंदी की बात करें तो इसका मतलब इस पूरी दुनिया की मार्केट ही ठप पड़ गई, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ठप पड़ रहा है तो ही ये काम हो सकता है। और बेटा पहले विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा उसमें से एक नाम था अमेरिका। और अमेरिका के अंदर बेटा क्या हुआ, अमेरिका ने बड़ा शार्प दिमाग लगाया, अमेरिका ने ये सोचा कि हम तो बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेते हैं, मशीनें बना लेते हैं और गन्स बना लेते हैं, और बेटा वर्ल्ड वॉर हो रही है आराम से बांटेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया बहुत ज्यादा और डिमांड हो गई बिल्कुल खत्म, तो क्या हो गया, स्टॉक पड़ा रह गया, पैसा फंस गया। और जब अमेरिका में मंदी आई तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ गया, और ये रहा कब, 1929 से 1930, और यही थी बेटा महामंदी। इस महामंदी में दिक्कत क्या हुई, लोगों का रोजगार गया, क्या हुई, लोगों का रोजगार गया, इनकम खत्म हुई, व्यापार खत्म हो गए, उत्पादन बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा जब हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना लें और डिमांड खत्म हो जाए तो रेट डाउन हो जाता है, और रेट डाउन होने से बेटा या तो सामान बिकेगा, और बिका तो नुकसान होगा, और नहीं बिका तो पूरा ही नुकसान होगा, है ना, मतलब लगा भी नहीं पाओगे इतने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। कब हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1939 से कब तक चला, 1939 से बोलते हैं 1944, और मेन डेट अगर याद रखो तो यही बेटा 4 साल की डेट रही है। ठीक, अब एक चीज याद रखना, अब इस वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हुआ क्यों था बेटा, क्योंकि पहले जो जर्मनी हारा था उसके ऊपर ऐसी संधियां ला दी गई जिसकी वजह से वो अपना अपमान महसूस करने लगा, उन संधियों को तोड़कर वो बेटा वर्ल्ड वॉर सेकंड के मुहाने पर ले आया दुनिया को, और दुनिया फिर से एक दूसरे के सामने हो गई, और जो राष्ट्र पहले मित्र थे वो अब शत्रु हो गए, और जो शत्रु थे वो मित्र हो गए। ठीक, और जर्मनी इस लड़ाई में फिर से कूद पड़ा, और इसका अंत क्या हुआ, जब बेटा अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम लिटिल बॉय और फैट मैन दागे, और इसी, और हिटलर ने अपने आप को बेटा जर्मनी के जो लीडर थे तानाशाह जी ने कह सकते हो आप, उन्होंने बेटा अपनी सर में गोली मारकर खुद की
चांदली हत्या की, आत्महत्या की, और उसके साथ बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फिर से बेटा वही इस दुनिया को, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, 10 साल के अंदर अंदर ही दूसरी बड़ी लड़ाई देखने को मिली, फिर से वही भुखमरी, फिर से वही महामारी, फिर से गरीबी, फिर से लाचारी, फिर से बेरोजगारी देखने को मिली। तो बेटा इस बार क्या हुआ कि दुनिया की महाशक्ति बनकर तो फिर से कौन उभरा, फिर से अमेरिका उभरा, क्योंकि अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर में भी एंड में ज्वाइन हुआ और लास्ट वर्ल्ड वॉर में भी एंड में ज्वाइन हुआ, और अपनी परमाणु बम की शक्ति दिखाकर उसने अपने आप को इस दुनिया का लीडर साबित किया, या डर से अपने आप को स्थापित कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब बेटा दुनिया की बड़ी चीजें, बड़ी मार्केट, हर चीज बेटा अमेरिका के कंट्रोल में आ गई। अब क्या हुआ, इस दुनिया की महामंदी को खत्म करने के लिए, इस दुनिया के अंदर पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए, इस दुनिया के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए, ताकि ग्लोबलाइजेशन ठीक से चलता रहे, एक संगठन बनाया गया। एक बेटा संगठन बनाया गया, क्या एक संगठन बनाया गया, उसको बोलते हैं बार्टन वुड संस्थान। क्या? बार्टन वुड संस्थान बनाया गया। समझ में आ गया, एक सम्मेलन हुआ जहां पर बार्टन वुड संस्थान बनाया गया। बेटा पीछे से बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, सीधी सी बात। ठीक, अगर साइलेंस रहा तो मैं क्लास यही बंद कर दूंगा, अगली अगर बोर हो रहे हो तो मैं बंद कर सकता हूँ, तो फिर बेटा जवाब दो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। अगला देखो, अब ये हुई कहाँ थी मीटिंग, ये होती न्यू हैम्स, क्या होती हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में। ठीक, अगला एक चीज याद रखना कि इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला, इस मीटिंग का रिजल्ट निकला कि दो सिस्टर संस्थाएं, दो बस आपको बोलते हैं ट्विंस, क्या बोलते हैं ट्विंस संस्थाएं निकल कर आई, जिसका आप नाम बार बार सुनते रहते हैं आजकल, पहला IMF, क्या IMF, और बेटा दूसरा है, पहला IMF और दूसरा है बेटा वर्ल्ड बैंक, क्या है वर्ल्ड बैंक, है ना। IMF क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक उन देशों को लोन देता है जिन्हें बेटा किसी काम के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके लिए बेटा वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन देता है सस्ती दरों पर। अच्छा, अगली चीज, ये IMF क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है फिर, तो बेटा ये क्या करता है, ये किसी की इकोनॉमिकल इनबैलेंस हो रहा हो तो बेटा कुछ पैसा उसकी इकोनॉमी में डाल देता है, कोई पैसा उससे नहीं लेता, रिफंड भी नहीं लेता, कुछ पैसा उसकी इकोनॉमी डालता है ताकि बेटा बैलेंस बना रहे, क्योंकि किसी एक देश का बैलेंस दूसरे जुड़े हुए देश के बैलेंस से ही निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है। ठीक है, एक दुकानदार चाहता है कि मेरा ग्राहक भी पैसे कमाता रहे, अगर उसके पास पैसे आते रहेंगे तो मुझसे खरीदारी करता रहे। ठीक है, यही बात है। अच्छा, और अमेरिका क्या है, एक बड़ा बाजार है, क्या है बड़ा बाजार। ठीक है, अच्छा बेटा, एक चीज समझ में आ गई आपको, अमेरिकन डॉलर को वहां पर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, मतलब इस पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी घोषित किया डॉलर को, और अब इस पूरी दुनिया की करेंसी जो भी देश के अंदर चलेगी वो डॉलर के हिसाब से डिसाइड होगी, और फिर डॉलर किसके हिसाब से डिसाइड होगा, तो बेटा डॉलर सोने के हिसाब से डिसाइड होगा, ये उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो उस समय क्या बोला, तो बेटा उस समय ये बोला गया था कि एक औंस गोल्ड, औंस क्या होता है बेटा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है गोल्ड को का वजन करने के, तो एक औंस गोल्ड की कीमत $35 के बराबर तब आंकी गई थी। आज तो डॉलर काफी महंगा है, 80-85 पार हो गया है इंडिया में। ठीक है, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, इसका मतलब अब बेटा उसी टाइम, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या हुआ कि ब्रिटेन कमजोर हुआ, क्योंकि वो युद्धों में काफी कमजोर हो चुका था लड़ाइयों में, इसकी वजह से बेटा वो उपनिवेश संभाल ना सका, कई देशों पे कब्जे बनाए ना रख सका, वो कब्जा बनाने के लिए भी बेटा बहुत ताकत और पैसे की जरूरत होती है, तो इस वजह से बेटा उसको कई देशों से अपना उपनिवेशवाद या अपना कब्जा छोड़ना पड़ा, और बेटा छोड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वो देश जो अभी नए नए जन्मे से मेरा मतलब नए नए आजाद हुए थे तो हमेशा से, जैसे भारत का तो विभाजन हुआ था आजादी पे 1947, उसके बाद बेटा उन्होंने कुछ चेंज किए, तो बेटा ऐसे देश जो कि नए नए आजाद हुए थे, उन जिनके पास उपनिवेश था, उन्होंने एक मीटिंग, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था G77। अभी एक मीटिंग हुई थी G20 है ना, अच्छा, तो अब वो क्या बना G77, उसके अंदर बेटा G77 मीटिंग हुई, और वहां पर बेटा उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम था NIEO, क्या नाम था NIEO, इसका नाम क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बेटा इसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे देश के जो संसाधन है उन पर अब किसका कब्जा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश, जैसे भारत की बात करें तो सिर्फ भारत का, अफ्रीका की बात करें तो खाली अफ्रीका का कब्जा होगा, तो ऐसा डर उन्हें क्यों लगा, बेटा ऐसा डर उन्हें ऐसा लगा
क्योंकि कई लोग कई उपनिवेश देश छोड़कर जा तो चुके थे लेकिन अभी भी उनके संसाधनों में किसी तरीके से वो कब्जा करके रखे हुए थे ताकि उनको धीरे धीरे लूटने का रास्ता बना रह सके। तो उस रास्ते को बंद करने के लिए ये किया गया। हाँ, ये किया गया था। ठीक है बेटा। अच्छा, बार्टन वुड्स का अंत। अब जो बार्टन वुड संस्थान जो बनी थी उस संस्थान का बेटा अंत हो गया। कब हुआ? 1960 में। क्यों? क्योंकि बेटा अमेरिका कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगा था दूसरों के मैटर्स में। क्या करने लगा? ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगा था। ठीक। अच्छा, 1970 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि 1970 के अंदर विकसित देश, क्या विकसित देश, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले सकते थे बेटा। सिर्फ कमजोर देशों को, जो विकास कर रहे हैं या विकासशील है, उन देशों को ही वर्ल्ड बैंक अब लोन देता है। पहले हर कोई ले जा करता था लेकिन अब वो नीति 1970 में बंद हो गई। तो अब बेटा विकसित देश क्या करते हैं? अपने यहाँ के प्राइवेट बैंक से ही लोन की मतलब लेना देनी करते हैं। ठीक है। और बेटा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ।